हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। यहां पे हम पाचन पढ़ रहे थे और आप देख रहे थे कि जो स्टमक है, आमाशय है, उसमें पाचन किस प्रकार से होता है। अभी तक आपने जाना यहाँ पे कि आमाशय में कौन सी ग्लैंड होती है, तो हमने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं। अब इन 3 अलग अलग प्रकार के सेल से सिक्रीशन हो रहा था और हम देख रहे थे कि किसका फंक्शन क्या है। आपने देखा म्यूकस यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, पेप्सिनोजन था, और हम कह रहे थे कि इनका फंक्शन क्या होता है, ये हम स्टडी कर रहे थे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे पाचन की। आपने मुख में देखा पाचन किस प्रकार से होता है और अब हम देख रहे थे जो हमारा आमाशय होता है, हमारा स्टमक होता है, इसमें पाचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे स्टमक का पोर्शन आ गया है। और अभी तक आपने स्टमक में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, आपने कहा स्टमक में एक ग्लैंड होती है जिसे हम क्या कह दे रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कह दे रहे हैं। ये आपके पास क्या आता है, स्टमक की इमेज आपके पास आती है और आपके स्टमक के अलग अलग पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ध्यान देना है यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे। हमने कहा यहाँ पे क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं। ऐसे ही स्फिंक्टर आगे भी देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे हमने कहा कि खाना क्या है, अब ये जो इसोफेगस है भोजन नली है, भोजन नली से कहाँ गया, भोजन नली से ये गया आमाशय में। अब आमाशय में गया तो आमाशय से भोजन वापस भोजन नली में ना जाए, इसके लिए यहाँ पे क्या होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं। ये वाला पोर्शन आपको दिखाया गया, ये क्या होता है, फंडस होता है, ये है कार्डिया। ठीक है, इसी के साथ आपको अलग अलग पार्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो आपने ध्यान ये दिया कि यहाँ पे भी आपको एक स्फिंक्टर दिखाया जा रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कह रहे हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टमक की। और स्टमक में आपको यहाँ पे अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर दिखाई गई है, ये है गट, क्या है आपको, गट के पार्ट दिखाए गए हैं। तो गट के बारे में अभी हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब आप 11th 12th में जाएंगे आपके पास जब डिटेल में होगा डाइजेशन, वहां पे आप गट के बारे में भी स्टडी करेंगे, गट के अलग अलग पार्ट यहाँ पे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम कह रहे थे ये स्टमक का पार्ट है और हम बात कर रहे थे किसके बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। ये हमारे पास क्या है, आमाशय आ गया है, ये हमारे पास आमाशय है। और हमने कहा आमाशय में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम क्या कह दे रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कह दे रहे हैं। ये है हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड का डायग्राम इस प्रकार से। अगर हम आमाशय में देखें कैसे होते हैं, आपको इस प्रकार से दिखाया गया था, इस प्रकार से। और यही जो इमेज है ये आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ये हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड आ गई है। ठीक है, क्या बात आपने की, आपने इस प्रकार से देखा यहाँ से शुरुआत हो रही है और इस प्रकार से आगे की ओर यहाँ पे बढ़ रहा है। तो हमने कहा अब इसी इमेज को यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाया गया है। और सबसे पहले यहाँ पे क्या थी, नेक सेल की हमने बात की थी, हमने क्या बात की थी, नेक सेल की बात की थी। ठीक है, और नेक सेल से यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा था, हमने कहा म्यूकस रिलीज हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ की बात हमने की थी, हमने कहा था यह है गैस्ट्रिक पेट हमने बात की थी। उसके बाद हमने कहा था कि म्यूकस नेक सेल आती है, म्यूकस नेक सेल कहाँ पे पाई जा रही है, ये वाली जो ग्रीन आपको, ये जो ब्लू कलर की सेल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो सेल है यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, आपको कलर वाइज दिखाई गया कि कौन से कलर में आपको पहले क्या देखना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को देखना है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको ये बताया गया है कि कौन सी कलर की जो सेल है वो क्या रिलीज कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पे म्यूकस नेक सेल के बारे में। और हमने कहा म्यूकस नेक सेल से क्या यहाँ पे रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है, यहाँ पे ऑरेंज कलर की आपको सेल दिखाई गई है। और अब आपने क्या देखा, सिर्फ यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लू कलर की सेल है जिसे हम म्यूकस नेक सेल कह रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं पाई जा रही, बल्कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि वो और जगह में भी पाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की है, चलिए नेक्स्ट हमने किसकी बात की है, आपको ऑरेंज कलर की ही सेल दिखाई दे रही है, ये वाली, इसे हमने क्या कहा, पेराइटल सेल कहा। और पेराइटल सेल से क्या यहाँ पे रिलीज हो रहा है, हमने कहा एचसीएल रिलीज हो रहा है।
यहाँ से म्यूकस रिलीज हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हमने कहा कि यहाँ से क्या हो रहा है, म्यूकस रिलीज हो रहा है। कहाँ से? जो आपको ब्लू कलर की सेल्स दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम म्यूकस नेक सेल कह रहे थे, वहां से म्यूकस रिलीज हुआ। फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या होती हैं, पेराइटल सेल होती हैं, और इन्हीं को हमने ऑक्सेंट्रिक सेल भी कहा था। ध्यान दीजिए, आपने दोनों नाम याद रखने हैं, इन्हें हमने ऑक्सेंट्रिक सेल भी कहा है। ऑक्सेंट्रिक सेल और पेराइटल सेल क्या कर रही है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चीफ सेल आती है, और चीफ सेल को हम पैप्टिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह है पैप्टिक सेल और चीफ सेल। चीफ सेल से क्या क्या रिलीज हो रहा है, हमने कहा पैप्सिनोजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, और गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पे रिलीज हो रहा है। हम यहाँ पे तीन प्रकार के सेल्स के बारे में मेनली बात करेंगे। अब यहाँ पे इनके फंक्शन देखने हैं हमें। ठीक है, कि क्या फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सी सेल्स हैं, उनका फंक्शन क्या क्या यहाँ पे है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे क्या बनाऊं, आपने क्या देखा, यहाँ पे पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड का डायग्राम देखा। गैस्ट्रिक ग्लैंड के डायग्राम से हमें तीन प्रकार के सेल्स मिली हैं, और तीनों प्रकार के सेल से आपको तीनों यहाँ पे क्या मिल गए हैं, सिक्रीशन मिल गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या क्या फंक्शन हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात की थी। क्या है, एक एसिड है। क्या करता है यहाँ पे, ये जो पेप्सिनोजन है ये किसमें कन्वर्ट होता है, पैप्सिन में। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, पैप्सिन में। लेकिन कैसे कन्वर्ट होगा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे क्या करेगा, फंक्शन करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है, कि जो पैप्सिनोजन है उसे पैप्सिन में कन्वर्ट करना पहला फंक्शन हो गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, दूसरा फंक्शन यहाँ पे हमने कहा प्रोटेक्शन है। बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कैसे होंगे, हार्मफुल बैक्टीरिया। अगर हम यहाँ पे कहें कि कहाँ से प्रोटेक्शन मिल रहा है, हम कहेंगे प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। तो क्या कह सकते हैं हम इसे, हम इसे कह सकते हैं कैसे हमें हानिकारक जीवाणु से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये भी देखिए। हमने कहा कि हमारे भोजन में क्या आता है, अगर कुछ हानिकारक जीवाणु एंटर कर जाते हैं, तो वहां पे सलाइवा में एक एंजाइम था जिसे हमने लाइसोजाइम कहा था। ठीक है, लाइसोजाइम ने क्या किया, जो हानिकारक बैक्टीरिया थे, हार्मफुल बैक्टीरिया थे, उन्हें खत्म कर दिया था, किल कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमारे भोजन में आ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, फिर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उन्हें किल करता है। ठीक है, दो फंक्शन हो गए हैं। तीसरा फंक्शन हमने क्या कहा था, जो Fe3 है, Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है कि जो Fe3+ है वो Fe2+ के कंपैरिजन में इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है। यानी कि हम आयरन की अगर बात करें, तो आयरन इस फॉर्म में ज्यादा जल्दी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। आपने प्रीवियस जो आपकी क्लासेस रही होंगी, जो आपकी छोटी क्लासेस रही होंगी, वहाँ पे हमने डाइजेशन पढ़ा, और आपने कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो अवशोषण है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन का भी अवशोषण होता है। और आयरन का अवशोषण किस फॉर्म में होता है, हमने कहा Fe2+ की फॉर्म में ज़्यादा ईजी होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको तीन फंक्शन मिल गए हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें किसकी, म्यूकस की। हम बात करें किसकी, म्यूकस की। हमने कहा म्यूकस क्या है, चिपचिपा द्रव है। अब म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, म्यूकस जो है वो अमाशय की दीवारों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हमने क्या कहा, ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम
HCl। क्यों? क्योंकि हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, एक प्रबल अम्ल है। आप प्रबल अम्ल हमने कहा था क्या कैसे होते हैं, हमें जला सकते हैं इजिली, हमें क्या कर सकते हैं, पूरा जला सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे आमाशय को कोई नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए क्या करेगा, म्यूकस यहाँ पे रिलीज होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एसिडिक जो नेचर है उसे क्या करता है, वो वहाँ पे कम करता है। इसके अलावा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया, आपको ये ध्यान रखना है कि पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट किया। अब देख लेते हैं कि पैप्सिन का क्या फंक्शन यहाँ पे होता है। हमने कहा पैप्सिन तो यहाँ पे रिलीज हो गया है, तो पैप्सिन यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होगा, हमने कहा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्या हुआ, प्रोटीन का पाचन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। इसके अलावा चीफ सेल से हमने क्या कहा था, पेप्सिनोजन हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया है, और रेनिन भी यहाँ पे रिलीज होता है। यहाँ पे क्या होगा, रेनिन भी रिलीज होता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब आपने तीनों सेल्स के बारे में पढ़ लिया है, तीनों सेल से जो भी यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं उनके सिक्रीशन के बारे में भी आपने पढ़ लिया है। आपने म्यूकस का फंक्शन देख लिया, म्यूकस कहाँ से रिलीज हो रहा है। अच्छा, चीफ सेल का हमने क्या कहा था, हमने कहा था चीफ सेल क्या है, ये जो आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है। तो पूरी गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपने क्या देखा, अब बहुत सारी नेक्सेल यहाँ पे पाई जा रही है, बहुत सारी पैराइटल सेल यहाँ पे पाई जा रही है, बहुत सारी चीफ सेल यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। क्या क्या उनका सिक्रीशन होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने कहा कि म्यूकस का फंक्शन आपने देख लिया है, ठीक है। इसके अलावा आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन देख लिया है कि क्या होता है। उसमें आपने चीफ सेल में क्या देखा, पेप्सिनोजन का आपने फंक्शन देख लिया कि पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, और जब पेप्सिनोजन एक्टिव होता है तो उसे हम कहते हैं पेप्सिन, ठीक है। और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सारे ही फंक्शन आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ने क्या बात की, हमने कहा द वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आप क्या लिखते हैं, HCl भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है। ध्यान रखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द जर्म्स विच मे बी प्रेजेंट इन फूड। अब ये क्या कहते हैं, हमारे भोजन में जितने भी हानिकारक जीवाणु या माइक्रोब होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, उन्हें किल करता है। मोर ओवर इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है तो मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा। आपके लिए होमवर्क है, आपने क्या पढ़ा था, मुख में आपने पाचन पढ़ा था, उसमें आपने सलाइवा की बात की थी। सलाइवा का पीएच क्या होता है वो आपने देख के आना है, ठीक है। अब आपको इतना तो पता है कि जो स्टमक है, स्टमक में मीडियम एसिडिक है, और एसिडिक का मतलब होता है कि यहाँ पे पीएच नंबर 6 से कम होगा। पीएच नंबर की अगर हम बात करें, क्या होता है पीएच नंबर, एक स्केल होती है, ठीक है, ये एक पीएच स्केल होती है। बीच वाला जो इसका पार्ट है इसे हम 7 यहाँ पे डिनोट करते हैं, बाकी टोटल के कितनी यहाँ पे आपको दिखाई जाती है, यहाँ पे 14, एक नंबर 1 से नंबर 14 तक यहाँ पे क्या होता है, पूरी आपको डिजिट दिखाई गई है। तो यहाँ पे पीएच स्केल क्या होता है, इसका जो मिड पार्ट होगा वो क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। 7 में जो भी चीजें रहती है वो उदासीन होती हैं, जिसका पीएच 7 होता है वो होगा उदासीन, ठीक है। न्यूट्रल जिसे हम कहते हैं, 7 से पीछे अगर कोई भी किसी का भी पीएच है, हमने कहा वो है एसिडिक। क्या होगा, मीडियम एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा, क्या कह रहे हैं, अम्लीय।
और अगर किसी का पीएच क्या है, 7 के बाद है, 7 के बाद अगर पीएच है तो हमने कहा क्या है, कैसा गुण है, क्षारीय गुण है, बेसिक होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे आपके पास क्या आती है, पीएच स्केल आती है, जहाँ पे आपको नंबर दिखाए जाते हैं 1 से लेकर के 14 तक, ठीक है, 1 से लेकर 14 तक नंबर दिखाए जाते हैं। और जहाँ पे जिसका pH 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। 7 से कम जिसका pH होगा, चाहे वो 6.9 ही क्यों नहीं है, तो उसका जो गुण होगा वो क्या होगा, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। 7 से ज्यादा जिसका pH होता है, चाहे वो 7.12 होगा, उसका जो गुण होगा वो क्षारीय होता है। अब इसमें भी हमने कहा अम्लीय है, तो हमने कहा दो प्रकार की हमने बात की थी, हमने प्रबल अम्ल कहा था, क्या बात की थी, हमने कहा HCl क्या है, प्रबल अम्ल है, और क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। इसी प्रकार से क्या होते हैं, क्षार भी दोनों ही प्रकार के होंगे, प्रबल और दुर्बल। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल क्या होंगे, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपने नंबर 7 पे आप ध्यान से देखिए, आप 7 नंबर जो 7 है उससे आप जैसे जैसे पीछे की ओर जाएंगे तो अम्लीयता का गुण बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जिसका पीएच जितना कम है वो उतना ही प्रबल अम्ल है, और जिसका पीएच जितना ज्यादा है वो उतना दुर्बल अम्ल है। अगर किसी का पीएच यहाँ पे 6 है तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल ही से हम कह सकते हैं। किसी का पीएच यहाँ पे क्या है, 4 है, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे, या फिर 2 है या फिर 1 है। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन होगा, जिसका पीएच 1 है, और सबसे दुर्बल अम्ल कौन होगा, जिसका पीएच 6 है, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर क्षारीय गुण की बात करें तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे दुर्बल क्षार कौन होगा, जिसका पीएच यहाँ पे 8 है, और सबसे प्रबल क्षार कौन होगा, जिसका पीएच यहाँ पे क्या है, 14 है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। यानी कि अम्लीय और क्षारीय गुण में क्या है, अम्लीयता इधर को बढ़ रही है, ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड को अगर हम जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, और अगर राइट साइड को जाते हैं तो क्षारीय गुण यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यही चीज आपको देखनी है। हमने क्या बात की है, हमने कहा है मुख में हर एक क्या होता है, मीडियम है, अगर हमारे पास कोई मीडियम आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पीएच होता है, उसका कोई ना कोई गुण होता है, या तो वो उदासीन होगा, ठीक है, जैसे कि हम पानी को क्या कहते हैं, पानी का पीएच हम 7 मानते हैं, या तो वो उदासीन होगा, या तो वो अम्लीय होगा, या तो वो क्षारीय होगा, यानी कि कुछ ना कुछ पीएच वहां पे होगा। तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मुख में पाचन हो रहा है तो सलाइवा का पीएच क्या है, आपको वो देख के आना है, क्योंकि आपको इतना पता है कि जो हमारा स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। हमने कहा कि एसिडिक है तो किस प्रकार का है, हमने कहा कि वहां पे क्या है, प्रबल अम्ल पाया जा रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको, ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए, तो क्या चीजें हमने पढ़ी, हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मीडियम को एसिडिक बनाएगा। नेक्स्ट क्या आपको बताया जा रहा है, आपने कहा द एसिड मीडियम इज नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम्स टू वर्क, जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं उनके काम के लिए यहाँ पे क्या है, एसिडिक मीडियम नेसेसरी है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब तक पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, क्योंकि पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा था एंजाइम्स, पेप्सिन सीक्रेट इन द स्टमक डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, पार्शियल डाइजेशन कर रहे हैं, आंशिक पाचन कर रहे हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में पहले जो भी पाचन हो रहे हैं वो आंशिक रूप से चल रहे हैं। अब आपको सीधे बताया गया है कि जो एंजाइम है पेप्सिन वो सिक्रीट होता है स्टमक में, लेकिन आपको ये पता है कि किसकी फॉर्म में होता है, हमने कहा पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में फिर कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। द म्यूकस सिक्रीटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेव द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब म्यूकस जो रिलीज हो रहा है उसका फंक्शन क्या है कि स्टमक को सुरक्षा प्रदान करना, आमाशय को सुरक्षा प्रदान करना, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या चीजें हमने पढ़ी है देख लेते हैं, हमने कहा पेट एक थैलेनुमा अंग है, ठीक है, पेट की अत्यधिक मांसल दीवारें भोजन को मथने में मदद करती हैं, ठीक है, मथने का मतलब आपने देखा होगा।
तो जब आप क्या बनाते हैं, दही से आप छाछ बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, छाछ को मथने का काम करते हैं। तो वही चीजें आपको यहाँ पे रिलेट करनी है। नेक्स्ट हमने कहा पेट की दीवारें हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में मौजूद कीटाणुओं को मारता है। इसके अलावा यह पेट के अंदर के माध्यम को अम्लीय बना देता है। गैस्ट्रिक एंजाइमों के काम करने के लिए अम्लीय माध्यम आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पीएच चेंज होता रहता है। मुख में कुछ और पीएच है, हमारे आमाशय में कुछ और पीएच है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और पीएच होगा, ठीक है। पेट से स्रावित एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। पेट की दीवारों से स्रावित, इसे हम श्लेष्मा कहते हैं, किसे, म्यूकस को, ठीक है। किसकी बात हो रही है, म्यूकस की बात हो रही है। म्यूकस पेट की अंदरूनी परत को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यही चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिखाया गया है और पेप्सिनोजन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, पेप्सिनोजन जो है, ये जो पेप्सिनोजन है आगे चल के ये किस में, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक्टिव एंजाइम है। और पेप्सिनोजन क्या क्या है, यहाँ पे इनएक्टिव है, यानी कि ये क्या है, असक्रिय है। पेप्सिन क्या है, सक्रिय फॉर्म है, ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तभी क्या हुआ, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब जब यहाँ पे पेप्सिन बन गया है तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन पे एक्ट करेगा, ठीक है, और प्रोटीन का यहाँ पे क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। तो ये जो आपको फ्लो चार्ट दिखाया गया है, ये भी आपने नोट करना है और दिखाना है कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या है, जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, और किस प्रकार से यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। तो आपने क्या कहा, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन आपको मिल गई है। ये क्या थी, डाइट्री प्रोटीन आपके पास थी, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा, तो आपको क्या दिखाया गया है, ये क्या है, जटिल अवस्था है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और इसे हमने क्या कहा, सरल अवस्था कहा, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, कि जो यहाँ पे फूड मटेरियल था, जो प्रोटीन था, अब प्रोटीन की जो चेन है वो आपको टूटी हुई इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी को हमने पाचन कहा था, हमने कहा था जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में जब परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो इस फ्लो चार्ट को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, सो क्लास आज हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा स्टमक होता है, आमाशय होता है, उसमें पाचन किस प्रकार से होता है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जानेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसमें भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। इसी के साथ जानेंगे लिवर और पैनक्रियास के बारे में, लिवर और पैनक्रियास से जो स्रावित होने वाले पाचक रस हैं वो कौन कौन से हैं, और किस प्रकार से वो भोजन का वहाँ पे पाचन कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।